राज से इसका बचाव कर सकें। अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत ताकत दे इस मट्टी की वतन अजीज की बेलौस खिदमत जो है उसका सफर कायद मियां नवाज शरीफ की क्यादत में जारी और सारी रख सकें। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं। सुबह जब सर्दी देखी तो मुझे थोड़ा सा शक था कि सर्दी के मौसम में हो सकता है हाजिरी जो है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन माशाल्लाह आपने सर्दी के मौसम में नहायत सर्दी के मौसम में आज भी भरपूर हाजिरी जो है इस पंडाल में हमें नजर आ रही है। मैं शुरू में थोड़ी सी तंजीमी अमूर पे आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। ये कन्वेंशन का सिलसिला जो है आज तीसरा हमारा ये कन्वेंशन है। पिछले हफ्ते हमने फरख हफीज भट्ट साहब ने कन्वेंशन का इनेकाद किया अपनी यूनियन काउंसिल में, भरपूर हाजिरी थी। उससे पहले हमने इसी दफ्तर में एक कन्वेंशन की, बुनियादी तौर पे वर्कर हजारात जो हैं शहर सियालकोट के NA 73 जिसका अब नंबर जो है NA 67 हो गया है, 67 हो गया है, उसके बासी उसके वर्कर जो हैं हमारे वो यहाँ पे तशरीफ लाए। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैंने रात मुगल साहब को भी कहा कि अब दो दो यूनियन काउंसिलों के अहदेदारों को और बल्दियाती अदारों के नुमाइंदगान को, चाहे वो 60-70 बने या 100 बने, उनका इनेकाद जो है एक मीटिंग्स का करना चाहिए ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे, महल्ले के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, गलियों के लेवल के ऊपर आने वाले इलेक्शन के लिए अपना रास्ता जो है वो जो है बरकरार रख सकें, बल्कि उसको बढ़ा सकें, उसमें जो कमी और कुकोताही है उसको हम पूरा कर सकें। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं साथ ही साथ आपको कहूंगा कि पहले जंग जो थी वो जाती राबतों से जो है लड़ी जाती थी, सियासी जंग जो है। अब सियासी जंग जो है पिछले चंद साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। ये एक मॉडर्न, एक जदीद जो है तरीकाकार है राबते का, जिसे हमें पूरी शिद्दत के साथ जो है डेवलप करना पड़ेगा। हमारा ये राबता अभी उतना नहीं है जितनी वक्त की इस वक्त रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से हमारे साथी ख्वातीन के ग्रुप, मर्दों के ग्रुप जो है